रांची जिला सिल्ली विधानसभा के इस पावन धरती में आज के इस बदलाव संकल्प महासभा के कार्यक्रम में मंच में मंचासीन जेएलकेएम पार्टी के तमाम केंद्रीय पदाधिकारीगण, कार्यकारिणी सदस्यगण आज इस कार्यक्रम के माध्यम से दूर दराज से चलकर आए, हमें आशीर्वाद देने के लिए, हमें हौसला देने के लिए आए हुए तमाम हमारी माताएं, हमारी नारी शक्ति, हमारे अभिभावक, हमारे हित कुटुंब, हमारे मित्र, हमारे साथीगण आज के इस कार्यक्रम को अपने मीडिया में स्थान देने के लिए, कवरेज करने के लिए तमाम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ सभी मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार, जोहार, आदाब। तो आज नहीं का आज थोड़ा समय नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं आज आपके बीच वही जयराम महतो खड़ा है जिस शख्स को सुनने के लिए समय भी रुक जाता था। डुमरी में जब मेरा जनसभा था, आपको याद होगा, मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से गए दुमका, तब भी हम भाषण दे रहे थे। वो फिर दुमका से वापस आए रांची, तब भी हम भाषण दे रहे थे। मुख्यमंत्री दो बार देखे। आज यही जयराम महतो है जिसको सुनने के लिए समय रुक जाता था, लेकिन आज 3 साल के जीवन में हम पहली बार दोनों हाथों में घड़ी पहन के आए हैं। कहे कि समय से भी तेज है, यहाँ के बाद हमको तमाड़ जाना है, तमाड़ के बाद ईचागढ़ जाना है, और फिर रात को हमको डुमरी वापस जाना है। आप सिर्फ दिमाग में सोच के देखिए कि कितना दूरी तय करते हैं, आपका दिमाग का नस फट जाएगा। हम उतना दूरी एक दिन में तय करते हैं। और आज इसलिए थोड़ा सा माफी चाहेंगे, आज स्कॉर्पियो को वहीं रहने दे, आज मंच की समय का अभाव है। तो देखिए, सबसे पहले सिल्ली के तमाम जनता जनार्दन, आप 2024 के चुनाव में इसलिए वोट करें कि आपको बदलाव लाना है। परिवर्तन संसार का नियम है, बदलाव संसार का नियम है ना। वो तोहर तोहर से पहले तोहर ससैया खेती बाड़ी कर रहा, ओकर से पहले ओकर ससैया, ओकर से पहले ओकर ससैया कर रहा, लेकिन जमाना बदल रहे ना। तो परिवर्तन संसार का नियम है, सिल्ली में भी बदलाव होना चाहिए और झारखंड में भी बदलाव होना चाहिए। आज हम अपना मुंह मियां मिट्टू नहीं बनेंगे, अपनी तारीफ नहीं करेंगे, लेकिन एक सच्चाई से आपको परिचय करवाएंगे कि केवल राजनीति में जयराम महतो के आने से क्या क्या बदलाव हुआ, आपको गिना देते हैं। सबसे पहला बदलाव आपको सिल्ली को हमने उपहार दिया, केशव कमलेश महतो जी को इतिहास में पहली बार किसी राष्ट्रीय पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। और यही कहे इसी गांव के हैं, चलिए अच्छी बात है। आज उन्होंने अपने जीवन में नहीं करने से 70 साल पार कर गए होंगे, आज अगर वह प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तो उसका कारण दाएं बाएं ऊपर नीचे नहीं, आपके सामने जयराम महतो खड़ा है। आज पहली बार बिहार राज्यसभा से, झारखंड नहीं बिहार राज्यसभा से खीरू महतो राज्यसभा के सांसद बने, कारण जयराम महतो है। पहली बार धनबाद लोकसभा, जहां आज तक कभी कोई खतियानी सांसद नहीं बना है, वहां से ढोलू महतो सांसद बनाए जाते हैं, कारण जयराम महतो है। और अभी माननीय गृह मंत्री बोल रहे थे कि हम कुड़माली भाषा को 8वीं सूची में शामिल करेंगे। अभी माननीय मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, गृह मंत्री अमित शाह जी बोल रहे थे, सुना कि नहीं आपने? अब यहाँ बहुत सारे आजू के मित्र कहेंगे कि हम गठबंधन में हैं, इसका श्रेय हमको है। तो गठबंधन में आप 14 में भी थे, 19 में भी थे, और जब सुदेश बाबू मंत्री थे उस समय भी आप गठबंधन में थे। आज ये बदलाव केवल और केवल एक नई क्रांति के कारण है। हम लोग अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं। आज पूछिए, कमलेश बाबू अभी हैं, वृद्ध अवस्था में हैं, ठीक है, अलग पार्टी में हैं, लेकिन बस उनको एकांत में रख के पूछिए, दिल में हाथ रख के कहिए, आप प्रदेश अध्यक्ष किस कारण से बनाए गए हैं? एक शख्स, एक पारसनाथ के जंगल से निकला हुआ टाइगर, उसकी दहाड़ से आज राजनीति में इतना भूचाल आया है। एक शख्स राजनीति में इतना भूचाल आया है, तो सोच लिए अगर हम लोग जीत के सदन में जाएंगे तो कितना बवाल होगा।
इसलिए सिल्लीवासियों बदलाव के लिए आपको वोट करना है, इस बार आपको परिवर्तन के लिए वोट करना है। और इस बात को भी याद रखिए कि जरा महतो जेल कैंप के नेतृत्व में जो भी विधायक बनेंगे उनके विधायक बनते ही झारखंड के लाखों युवा विधायक बनने का सपना सजाएंगे। कुछ दिन पहले दिल्ली से एक मीडिया आई थी, हमसे पूछ रही थी कि आज झारखंड में दो नाम ट्रेंड कर रहा है, पहला जयराम महतो, दूसरा कल्पना सोरेन, क्या दोनों में अंतर क्या है, क्या समानता है? हमने एक ही लाइन कहा कि कल्पना सोरेन के विधायक बनने के बाद कितनी लड़कियों ने हिम्मत किया, कितनी लड़कियों ने साहस किया कि वो विधायक बनेगी, एक भी नहीं। क्योंकि उनको अभी मालूम है कल्पना सोरेन के बाद उनकी बेटी विधायक बनेगी, उनको भी मालूम है सीता सोरेन की बेटी जैसे 25 साल पार करेगी, कल्पना सोरेन की गोतनी जेठानी जैसे उनकी बेटी 25 साल पार करेगी विधायक का चुनाव लड़ेगी। बताइए कल्पना सोरेन के विधायक बनने से कितनी बेटियों को हिम्मत मिला वो विधायक बनेंगी, एक जरा महतो के आने से लाखों युवा विधायक बनेंगे, सपना तैयार हुआ है। आज आपके बीच देवेंद्रनाथ महतो विधायक बनने की रेस में है, आज तमाम से दमयंती मुंडा विधायक बनने की रेस में है, एक जरा महतो। हमने वही कहा मीडिया से कि कल्पना सोरेन को आप देवी कहिए हमें आपत्ति नहीं, लेकिन तुलना नहीं हो सकता है। कल्पना सोरेन के आने से कोई गांव घर की लड़की ने साहस नहीं किया वह विधायक बनेगी, बताइए आप कितनी बेटियों ने हिम्मत किया वह विधायक बनेगी, क्या आप हमें गिनाएंगे? एक भी बेटी हिम्मत नहीं कर पाएगी। और जयराम महतो के आने से हजारों युवाओं ने सपना सजाया वह विधायक बनेंगे, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। नहीं तो आज क्या है, इधर सुदेश बाबू, रामगढ़ में मौसी, गिरिडीह में मौसा, बड़का गांव में आ रहे वो मौसा, क्या गलत बोल रहे हैं? सिल्ली में सुदेश बाबू, रामगढ़ में मौसी, गिरिडीह में मौसा और बड़का गांव में बड़का मौसा। हेमंत बाबू बरहेट से, कल्पना भोजी गांडे से, बड़की भोजी जमाना हवा गई जमतारा, और छोटका भाई बसंत सोरेन दुमका से। इधर थे रघुवर दास, चल गए राज्यपाल बन गए उड़ीसा के, फिर भी बोले नहीं भाई राज्यपाल गण बन गए फिर भी भूख नहीं मिटा, पुतोहू को टिकट मिल गया जमशेदपुर से। अर्जुन मुंडा, माननीय अर्जुन मुंडा दिल्ली में मिनिस्टर रहे, चीफ मिनिस्टर रहे, फिर भी दिल नहीं माना, पत्नी को टिकट दिला दिया है। बताइए आज झारखंड की राजनीति कुछ परिवारों तक सीमित हो रही है, और जयराम महतो उसके खिलाफ एक क्रांति लेके आया है, एक गांव गरीब के बेटे देवेंद्रनाथ महतो को प्रत्याशी बनाया है। सिल्लीवासी, झोली भर भर के सौगात देना, तभी कल को कोई गांव का लड़का, कल को कोई किसान का लड़का, कल को कोई मजदूर का लड़का राजनीति में आने की हिम्मत करेगा। आज यदि जेल कैंप पार्टी के प्रत्याशी चुनाव नहीं जीतते हैं, आज जरा महतो देवेंद्रनाथ महतो दमयंती मुंडा जैसे प्रत्याशी चुनाव नहीं जीतते हैं, तो कल जो आने वाली पीढ़ी होगी वो कहेगी मैया जयराम दक नाम सुन ले वीडियो सीओ घबराए जा रहा है, वो स्कॉर्पियो के छत में खड़ा भे वाल है तो लाखों के भीड़ लग रहा है, जब वो न जीते पार ले हम जीते पार वो। यानी हमारे नहीं जीतने से लाखों हजारों युवाओं के सपने पल भर में चकनाचूर हो जाएंगे, इसलिए आपको हमें जिताना है, उस कारण भी कि हमारे जीतने से झारखंड का एक आम लड़का, एक आम लड़की राजनीति में अपने कदम को बढ़ाएगी, राजनीति में अपने कदम को बढ़ाएगा, इसलिए हमें जिताना। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि सिल्ली में विकास हुआ है, अरे हमने कहा, किसने कहा नहीं हुआ है? अगर कोई 20 साल 25 साल से मंत्री 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 बन के रहेगा तो तनी मनी तो हमें करेगा। हाँ हुआ है विकास, किसने मना किया नहीं हुआ है, लेकिन ये बताइए सिल्ली का ये विकास एक तरह और सूट बूट बाबू का विकास एक तरह, अब बताइए किसका विकास ज्यादा है? अरे कौन बोल रहा है सिल्ली में सड़क
नहीं बना, सिल्ली में कॉलेज नहीं बना, सिल्ली में बच्चों का स्कूल का बस नहीं मिला, मिला है, लेकिन एक तरफ 20 साल में सिल्ली का विकास, एक तरफ सूट बूट बाबू का विकास। गिनती करिए, न्यूक्लियस मॉल में हिस्सेदारी किसकी है, हिंडालको में हिस्सेदारी किसकी है, झालदा के रेस्टोरेंट में हिस्सेदारी किसकी है, अरे पूरी के होटल में हिस्सेदारी किसकी है, अरे विदेश में किसका बच्चा पहुंचा। हाँ, यही है विकास का पैमाना। एक तरफ सिल्ली का पीस, हैदराबाद भी, खेलगांव चौक में भी, सिंगापुर में भी, सरला बिरला में भी, यही है इतिहास और यही विकास। हम कह रहे हैं विकास हुआ है, नली गली सड़क हुआ है, लेकिन एक तरफ सिल्ली का विकास, एक तरफ माननीय बड़े भाई सोट पुट बाबू का विकास। अब आपको तय करना है कि किस विकास को चुनना है, क्योंकि हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है, पढ़िए, हमारे घोषणा पत्र का नाम है प्रतिज्ञा पत्र। हमने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हमारी पार्टी से कोई विधायक बने 75% सैलरी जनता को दान करना होगा। हमने घोषणा पत्र में लिखा है कि अगर उनको सैलरी महीना भी मिलेगा ना, विधायक को महीना भी 3 लाख के आसपास मिलता है, तो महीना भी 75% दान करना होगा। ये हमारे घोषणा पत्र में वर्णित है। हमने ये भी कहा है कि हमारा कोई भी प्रत्याशी अगर चुनाव जीत जाता है, जैसे देवेंद्र दा रांची जिला से है, अगर ये किसी दिन बोकारो जिला में एक बित्ता भी जमीन खरीदे तो दोबारा इनको टिकट नहीं दिया जाएगा। हमने ये भी घोषणा किया है, क्योंकि ऐसे नहीं राज बदलेगा, ऐसे देश नहीं बदलेगा, सोच से बदलेगा। आज मुख्यमंत्री कहां के हैं, रामगढ़ में, और जमीन दुमका तक। सुदेश बाबू कहां के हैं, सिल्ली में, और जमीन पूरा झारखंड में। नेताओं के कारण गरीबी है, गरीबी हम जन्म से लेके नहीं आए हैं, गरीबी हम पहाड़ से लेके नहीं आए हैं, गरीबी हम नदी नाला से लेके नहीं आए हैं, गरीबी इनकी गलत नीतियों के कारण है। बताइए इतना पैसा क्या करेंगे, सिंगापुर में, मलेशिया में, दुबई में, पुरी में, हैदराबाद में, गुजरात में, क्या करेंगे इतना पैसा, ये लोग क्या करेंगे इतना पैसा। आज गरीब आदमी, उसको पीने का पानी नहीं, खाने को भोजन नहीं, बदन में कपड़ा नहीं, और इनके पास अरबों अरबों की संपत्ति, लाखों लाख की गाड़ियां, क्या करेंगे इतना पैसा। इसलिए हमने एक नया क्रांति लेकर आए हैं, एक नया बदलाव लेकर आए हैं। हमारी राजनीतिक दल में अपना जिला से बाहर कोई 1 इंच जमीन नहीं खरीदेगा, जो खरीदेगा वो भविष्य में हमारा प्रत्याशी नहीं होगा। अब आपको तय करना है कि झारखंड कैसे बदलेगा, आपके बाप का झारखंड, आपके दादाजी का झारखंड, आपके ससुर जी का झारखंड, आपके पूर्वजों का झारखंड, इसे बदलना कैसा है, ये आपको तय करना है। इसलिए आज मैं तमाम सिल्ली वासियों से कहना चाहूंगा, इस बार बदलाव के लिए वोट कीजिएगा, इस बार अपने बच्चों के लिए वोट कीजिएगा, उनकी बेहतर शिक्षा के लिए, उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए, उनके बेहतर रोजगार के लिए, इस बार सिल्ली ही नहीं पूरे झारखंड के उत्थान के लिए वोट कीजिएगा। इसलिए आज हमें नेताओं से सीखना चाहिए। आज चाहे आज चंपई सोरेन का नाम तो भूलिए गए थे, बाबूलाल सोरेन को टिकट मिला है, बाबूलाल सोरेन को। हमें नेताओं से सीखना चाहिए, सुनिए मेरी भोली भाली जनता, आप बहुत भोले भाले हो, आप बहुत भोले भाले हो, मेरी भोली भाली जनता आप सुनो। एक नेता जो 25 साल से मंत्री रहता है, 25 साल से विधायक रहता है, मुख्यमंत्री तक रहता है, लेकिन उसको अभी चिंता अपने बच्चे की है। चंपई सोरेन को चिंता अपने बेटे बाबूलाल सोरेन की है, टिकट मिल जाए। सुदेश बाबू को चिंता मोसा मोसे की है, टिकट मिल जाए। हेमंत सोरेन को चिंता कल्पना सोरेन की है, टिकट मिल जाए। आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है तो कौन ठीक कर लेगा। आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है, अगर आपको अपने बच्चों की चिंता है तो कसम खाइए, बच्चा यानी सबसे पहले शिक्षा तो झारखंड की शिक्षा को मजबूत करेगा। युवा यानी रोजगार जो बेहतर नियोजन नीति लेके आएगा। इसलिए आज आप कसम खाइए, वोट उनको करेंगे जो आपके बाल बच्चे के भविष्य के बारे में सोचेंगे, ना कि केवल अपने परिवार के बारे में। इसलिए आज
दिल्ली की जनता जनार्दन से आज युवाओं का यह टोला एक बार इस राज्य में बदलाव करने के लिए आपसे आशीर्वाद मांग रहा है। यदि आपको हम लोगों के विचारों में सत्यता लगे, हमारे विचारों में सच्चाई दिखे, एक बार जरूर साथ दीजिएगा और उसके बाद बदले में झारखंड की तस्वीर को बदलना हमारा जिम्मा होगा। एक बात आपको बताना चाहेंगे, अब झारखंड की जनता कितना समझ रही है नहीं समझ रही है बात अलग है, दिल्ली के दरबार में चर्चा हो रही है। कुछ दिन पहले झारखंड में जितने भी बीजेपी के सांसद है, आठों के आठों, गोपनीय सूचना मिली है, आठों सांसदों के साथ इस देश के सेंट्रल मिनिस्टर मीटिंग कर रहे थे और पहला लाइन यही पूछा गया कि जयराम महतो को कंट्रोल अप कैसे करेंगे। आठों सांसदों को बुला के, चूंकि एक सांसद आजसू का है, आजसू वाले को नेता नहीं मिला था, झारखंड में जो बीजेपी के आठ सांसद हैं उनको बुला के पहला लाइन यही पूछा गया था कि अब जयराम महतो को कंट्रोल कैसे करेंगे। आज पूरे देश हम लोगों को एक आशा भरी निगाहों से देख रहा है, इसलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है इस बार बदलाव के लिए, इस बार झारखंड के नव निर्माण के लिए, इस बार 1932 खतियान के लिए, इस बार अपने बाल बच्चों के हक अधिकार के लिए, इस बार झारखंड की पहचान के लिए, इस बार झारखंड की अस्मिता को बचाने के लिए आपका वोट पड़े, आपसे यही आशीर्वाद मांगने आए हैं। चूंकि समय का अभाव है, बाकी आप सभी से प्रार्थना है, देखिए और एक बात जान ले, जब से भोटवा के तारीख ऐलान भेलाय, आज 20-22 दिन भाई गलाय, गैन के हमें 6 दिन नहा लिए, गैन के 6 दिन नहा लिए माय मौसी साहब, तोहनी के सामने दखला सेव खा लिए, कहे कि हमने के खाना तक नसीब ना भेवा है। अब तोहनी सोच के देखा हम कहां से आलियो, धनबाद से, धनबाद से लियो हिया, फिर तमाड़ जीवो, वहां से परीचागढ़, फिर घूर के धनबाद गिरडी चल लिये भाई, यानी गाड़ी हमने घर लगो, उन्हें कपड़ा भराए लो, उन्हें माल भात जे भी हो खाना भराए लो, अगर समय मिलो तो गड़िये में चलते चलते खलियो, नहीं तो 12-1 बजे 2 बजे रात हमने खाना खाइयो। देख ले हमारी गला की साइड इंफेक्शन भई गला है, डॉक्टर हमारा साफ साफ बोल रहा है कि भाषण मत दीजिए, हम एक बात कह लिए कि 20 तारीख तक कुछ मत बोलिए, मरेंगे चाहे जियेंगे 20 तारीख तक चुप नहीं रहेंगे। आए के छुई के देख ली साइड पूरा हमारा गला खराब भई गला है, तो हनी एक दिन बिहार के गीत गावा हा तो गला धैर ले, हम 3 साल से लागल है, हम 3 साल से लागल है, हमारी साइड पूरा एकदम सूजन आ गया है गला में, और डॉक्टर हट्टे कहला है कि आप रेस्ट कीजिए, हम एक ही लाइन कह लिए कि हम पागल हैं और हमको सपोर्ट कोई ना कोई नेचुरल सोर्स कर रहा है, 20 तारीख से पहले हम शांत नहीं रहेंगे। तो समय के अभाव हो, बाकी जितना भी सिल्ली के जनमानस, और मुद्दा तो देवेंद्र दा बोलिए दल, हम आपकी बोलबो की करना हो, देवेंद्र दा महान देवेंद्र दा बोलिए दल हो, हाँ बाबा अगर नाम प्यार से बाबा हो, झुपड़ा बाबा, हाँ झुपड़ा बाबा के एकदम भूलिया ना है, झुपड़ा बाबा हो, ए झुपड़ा बाबा छाप की लगो काची छाप, तो हमने पूरा झारखंड के साथ साथ झुपड़ा बाबा के छाप लगो कैची छाप, बाबा के अपना आशीर्वाद दिया 6 नंबर, गड़बड़ैया ने 6 नंबर, बाकी एक बड़ी सबके घोड़ा लगाइयो और छोटे हमारे साथ आशीर्वाद दियो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एसके मंडल अध्यक्ष, एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पटना, आप समस्त देशवासियों को दीपावली एवं लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जानवी सिरामिक्स से करें टाइल्स, ग्रेनाइट, सेनेटरी वेयर की 50,000 से अधिक की खरीदारी और पाए 5 खास कूपन के जरिए GST काटकर 4 साल के अंदर पूरी राशि वापस। जानवी सिरामिक, हुरमोर, डाल्टनगंज, शाहपुर रोड, गढ़वा, झारखंड, शर्तें लागू।